गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, माई नेम इज़ रेशमा सहारिया। आई एम टीचर्स ट्रेनिंग फ्रॉम सिलीगुड़ी प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज। टुडे माई मेथड पेपर इज हिंदी। ओके, आज मैं भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर पढ़ाऊँगी। तो आपको सबसे पहले मैं कुछ चित्र दिखाना चाहती हूँ। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर सुन रहे हैं, यहाँ बोल रहे हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं और यहाँ पर लिख रहे हैं। तो ये चारों कार्य सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना भाषा के माध्यम से ही हो रहे हैं। भाषा ना होती तो हम गूंगे बहरे बने रह जाते। हम अपनी बात ना लिख कर पकड़ कर पाते, ना किसी दूसरे की कही बात समझ पाते, ना किताबों में लिखी बातों को पढ़ पाते और ना ही अपनी बात किसी को समझा पाते, है ना। तो भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों और भावों को दूसरों के समक्ष प्रकट करते हैं, उसे ही भाषा कहते हैं। तो भाषा के दो भेद होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, ओरल लैंग्वेज एंड रिटन लैंग्वेज। ठीक है, मौखिक भाषा। मौखिक भाषा वह रूप है जिसके वाणी द्वारा बोलकर हम अपने विचार को प्रकट करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। और लिखित भाषा यह भाषा का वह रूप है जिसमें अपने विचार को श्यामपट या किसी पत्र में लिखकर हम प्रकट करते हैं, उसे ही लिखित भाषा कहते हैं। और है व्याकरण, ग्रामर क्या है? तो व्याकरण द्वारा भाषा के शुद्ध और सही रूप की जानकारी होती है। इससे भाषा के प्रयोग में एक रूपता बनी रहती है। पहले भाषा आई, फिर उसका व्याकरण आया। तो व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह विद्या है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना और शुद्ध पढ़ना सिखाती है, उसे ही व्याकरण कहते हैं। तो लिपि, स्क्रिप्ट। पहले भाषा का मौखिक रूप प्रचलित था, उसे केवल एक स्थान पर ही बोला जाता था और सुना जा सकता था। धीरे धीरे मुख से निकलने वाली ध्वनियों के लिए वर्ण या अक्षर का प्रयोग किया जाने लगा। इससे भाषा ने मौखिक के स्थान लिखित रूप भी ग्रहण कर लिए। तो लिपि किसे कहते हैं? किसी भी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। तो प्रत्येक भाषा की अपनी अलग अलग एक लिपि होती है। ठीक है, उर्दू की लिपि, फारसी, अंग्रेजी की लिपि, रोमन, पंजाबी की लिपि, गुरुमुखी और हिंदी की लिपि देवनागरी होती है। संस्कृत भी इसी लिपि से लिखी जाती है। तो व्याकरण के और भी तीन मुख्य अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो आप लोग समझ ही सके होंगे कि हमारे जीवन में भाषा कितने महत्वपूर्ण हैं। तो भाषा सीखना भी ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही, आशा करती हूँ कि आप लोग समझे होंगे। थैंक यू।